जय साथियों, संडे स्पेशल लाइव आता है। आपके ढेर सारे सवाल रहते हैं। जी हाँ, इस बार के जो आपके सवाल इलनी पितर के इंस्टाग्राम पे मिले, उसमें से पहला सवाल है कि नए आयोग का गठन कब तक होगा? आखिर शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक संपन्न होगी? क्या केवीएस परीक्षा टलेगी? ऐसे तमाम सवाल आप सभी के होंगे, आप सबके मन में, आप सबके जहन में होंगे। तो आप सभी को क्रम रूप से एक एक सवाल का जवाब इस लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि संडे स्पेशल लाइव वार्ता में सभी को इंतजार होता है पूरे सप्ताह के। हाँ, दुर्गे सर से लाइव वार्ता होगी और आपके सवालों के जवाब मिल गए। आप जो के सवाल जो होते हैं वो कमेंट और रिलेने में दुर्गे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से हम लेकर उनके जवाब आपके सामने आते हैं। तो जो पहला सवाल आपके मन में, आपके जहन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नए आयोग का गठन कब होगा, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट सेशन में इस नए आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। और उस बजट के बाद 1 से 2 महीने के बाद ही यह मान के चलेगा जमीन पुत्रेगा, मतलब अप्रैल तक संभावना है कि अप्रैल अंत तक नए आयोग का अस्तित्व जो अभी तक आसमान में दिख रहा है वो जमीन पर दिखाई देना शुरू हो सकता है। मतलब नया आयोग आपको जो देखने को मिलेगा वो अप्रैल तक देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल है कि सर भर्ती कब तक आएगी, लेकिन उसके पहले का सवाल लेंगे हम, यूपीटेट कब होगा? लेकिन नया आयोग जो होगा बेसिक शिक्षा का, वो आयोग सबसे पहला काम यूपीटेट अर्थात उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा कराने का काम करेगा। जी हाँ, ये पात्रता परीक्षा अगर अप्रैल में आयोग गठित होगा तो कैलेंडर जारी होगा, विज्ञप्ति ले जाएगी, आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद सेंटर लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, उस पर आपत्तियां रहेंगी, फिर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। माने यह प्रक्रिया करने में कम से कम 2.5 से 3 माह का समय लग सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि मई जून जुलाई, माने मई जून जुलाई तक आपका टेट संपन्न हो सकता है। यूँ कहें कि मई के अंतिम सप्ताह में आपको विज्ञप्ति भी देखने को टेट की मिल सकती है, अगर यह चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनकी सोच के आधार पर चलता रहा। तो फिर नई शिक्षक भर्ती की टेट का रिजल्ट आने के बाद नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति होगी, पदों का सृजन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक जनपद से जो शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। जो रिक्त पदों का ब्यौरा है ये पहली बात प्रमोशन के लिए है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है वास्तव में वो तो है प्रमोशन के लिए, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, जब रिक्त पदों में से प्रमोट करके और सब जूनियर में चले जाएंगे तो पद और खाली हो जाएगा। दोनों बातें समझिएगा। और अभी तक एक सवाल बार बार आता है, कुछ लोग का कहना भी है कि जब माननीय सरकार ने विधानसभा में कह दिया कि हमारे पास सीट पर्याप्त है, देखिए उन्होंने क्या कहा, सामने भर्ती है। तो अब समस्या ये होती है कि चुनाव के समय माननीय सरकार अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर अपने जो उनका स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ जो बराबर है, तो वह जो माप आंकड़े थे अब वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। कारण क्या है, जो अभी तक प्राइमरी थे वो प्रमोट होकर जूनियर में चले जाएंगे, जूनियर में जाने के बाद पहले से पद खाली था, पद और खाली हो जाएगा उस पदों पर, तो भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नया आयोग है, नए तरह से भर्ती प्रक्रिया करने की जो कवायद आ रही है उसके पाठ्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके इस बात का भी जो जिक्र था वो कर दिया था। उसके लिए इलनी पितर दुर्गेश पर हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को जारी कर दिया है। तो यूपी टेट के बाद सुपर टेट की बात करें तो यह भी आपको आने वाले दशहरा के आसपास भी, इसकी जो दशहरा दिवाली है उसके आसपास की परीक्षाएं हो सकती है। मतलब चुनाव आयोग के आचार संहिता लगाने से पहले, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती की विज्ञप्ति, आवेदन, यहाँ तक की परीक्षा भी कराई जाने की संभावना प्रबल है। इस आधार पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, जिनको ध्यान नहीं है कि नहीं पढ़ना है, इंतजार करना है, जब पद आएगा, जब भर्ती आएगा तब पढ़ेंगे, तो वो अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के कहने पर, किसी के सोचने से, किसी के न जाने पर नहीं होगा, क्योंकि 7 से 10 लाख लोग हैं जो टेट सीटेट पास हैं। टेट सीटेट पास अभ्यर्थी कुछ तो एक बड़े चार के चक्कर में भी परेशान है, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं भर्ती आएगी तब पड़ेगी, लेकिन 50,000 ऐसे हैं जो लगातार पढ़ रहे, उनको बस एक मोटो है, हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अगर आज मैं पढ़ना बंद कर दूंगा तो आज का तो नुकसान होगा, आने वाले समय में जब हम ये पढ़ना शुरू करूंगा पिछला भी शून्य हो जाएगा और फिर मुझे अपनी पढ़ाई जीरो शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम शिखर के पास है और शिखर के इर्द गिर्द पढ़ रहे हैं, तो ऐसे संख्या बस 50,000 होगी, तो उनकी संख्या कम होगी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है जो भर्ती आने पढ़ेंगे, जो फॉर्म पर ध्यान रखते हैं, जिनको ये विश्वास है कि जब भर्ती जिस दिन आएगी उस दिन से किताब खोलेंगे, उस दिन से पाठ्यक्रम का पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन हम किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को लेकर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा। एनसीईआरटी के सभी नोट्स कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, माने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के सभी नोट्स
ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आप जाएंगे, उस पर आपको कक्षावार हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों मीडियम आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आपको जब भी समय मिले ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाकर एनसीईआरटी के नोट्स ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी के नोट्स एक ही जगह पढ़कर स्वयं से अपना भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है, क्या केवीएस की परीक्षा टलेगी? तो याद रखिएगा, केवीएस की परीक्षा टलने की जो संभावना है वो एकदम 1% से भी कम है। क्योंकि अगर मानी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, कोई निर्णय ऐसा आ जाता है जिस निर्णय के बाद ये विदित होगा या कहना पड़ेगा कि नहीं यार परीक्षा टल सकती है, परीक्षा टलने की संभावना है, या बीएड बीटीसी के पक्ष में या बीटीसी के पक्ष में फैसला जाता है या दोनों के बीच का रास्ता निकलता है, उस दशा में शायद परीक्षा के तिथि पर प्रभाव पड़े, अन्यथा नहीं। इस दशा में मांग चलेगा, यह जो परीक्षा होनी है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अधीन होनी है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी केवीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अपनी तैयारी जारी रखें। केवीएस परीक्षा तय तिथि को निश्चित तिथि को होनी है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। इसलिए आप अपना बेस्ट दें, आप अपना बेहतर दें, ये मान के चलें आपकी केवीएस की परीक्षा पहले सेट में पहले दिन पहली पाली में होना है, और इसी के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को एक बार आप केवीएस के पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दूसरा जो काम है प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिएगा, क्योंकि उसके जो सवाल है वो प्रैक्टिस पर ही ज्यादा, वो तो कूट वाले सवाल अब झोला भर भर के पूछे जाएंगे, क्योंकि जब से परीक्षा ऑनलाइन हो रही है कूट वाले सवाल बहुतायत पूछे जा रहे हैं। और बाकी आप अपना बेहतर देते रहें। अगर कोई आपके इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अभी आपके जो सवालों का जो था लाइन वो मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया। बीड बीटीसी केस के जो अभी तक निर्णय नहीं आता, इसलिए इस पर कोई भी बहस करना, उस पर कोई टिप्पणी करना भी सही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यूपी टेट और सुपर टेट के बीच में आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, ये मैंने कई बार बताया। आयोग जब कैलेंडर जारी करेगा तो दोनों ही कैलेंडर की तिथियां परीक्षाओं के एक साथ जारी होगी, इसलिए जो टेट पहले सुपर टेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुपर टेट के अंदर ही टेट की भी चीजें जाती हैं। और टेट के लिए और सुपर टेट की जो तैयारी कर उनके लिए मैं 30 जनवरी से नए सिरे से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूं, आप उसमें जुड़कर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सुपर टेट विद दुर्गेश सर एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरी सभी क्लासेस निःशुल्क प्रैक्टिस की चल रही है। आने वाले 2 दिनों के बाद उस पर और सारे क्लासेज भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोग उस चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा। सुपर टेट विद दुर्गेश एक यूट्यूब चैनल है और उस पर आप लोग पढ़ते रहिएगा। उस पर आपको निशुल्क क्लासेज निशुल्क बैचेज लगातार मिलते रहेंगी पूरी संपूर्ण सिलेबस की। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा जो इन चीजों को लेकर परेशान थे, नया अवगठन कब होगा, भर्ती कब तक आएगी, यूपी टेट कब होगा, क्या केवीएस की परीक्षा टलेगी, बीड बीटीसी में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इस पर टिप्पणी करने की जगह आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। यकीन मानिए आपकी आज की मेहनत आपके आने वाले कल को एकदम सुनहरा बनाने वाली है। इसलिए हमेशा बेहतर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप एक रेस की घोड़ी, और आपकी रेस सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से है और सिलेक्शन से रहेगी। इसलिए आप उनमें से नहीं है, मैंने आपको पहले बताया आप से 10 लाख लोग हैं जो टेट सीटेट पास हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो सीरियस अभ्यर्थी उनकी संख्या 50 से 60 हजार है। तो आप उनमें से है, और बाकी जो है जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनको इस बात से मतलब नहीं कब सिलेबस बदलेगा, आपको कैसे सूचना मिलती है, कैसे आयोग गठन हो रहा है, प्रमोशन हो जा रहा है तो पद रिक्त खाली जाएगा उसको क्या होगा, ऐसे तमाम तरह का फॉर्म आपको सोशल मीडिया पर मिलते रहेगी। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहेगा, क्योंकि आपकी अहम आपका लक्ष्य आपको अंतिम क्षण तक जरूर पहुंचाएगा। और आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स या क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। एक बात और, टेलीग्राम पर इसकी डेली क्लास की जो लिंक होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन नोट्स से क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, उसके अलावा 73-98-88-3002 इस पर भी व्हाट्सएप या कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। जनपद जौनपुर से ये क्लासेस संचालित होती, मेरे द्वारा सभी क्लासेस आप सभी के लिए निशुल्क देशित में राष्ट्रित में। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा संडे स्पेशल लाइव वार्ता में, हम आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर लेकर आते हैं। केवीएस परीक्षा तय समय पर होगी, इसलिए उसकी तैयारी जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना बेहतर और बेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल